आज हम बनाएंगे हल्दी की हरी भरी सब्जी। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फूड ट्रैवल जिंदगी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। यहाँ पे मैंने फूल गोभी उबालने के लिए छोड़ दिए हैं और यहाँ पे मैंने मटर लिए हैं, दो बड़े प्याज महीन कटे हुए, फिर उसके बाद दो से तीन टमाटर वो भी महीन कटे हुए हैं, फिर फ्रेंच बीज मैंने ली है यहाँ पे, फिर आप यहाँ पे गाजर, एक गाजर का आप यूज़ कर सकते हो, फिर हरी भरी मिर्च मैंने दो से तीन ली है, और जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है गीली हल्दी। यहाँ पे मैंने उसको अच्छी तरह से धो के छील के रखा हुआ है। जो छीली हुई हल्दी थी उसको मैंने अच्छी तरह से कीस लिया है। आपको दो तीन या चार पांच ही लेना है हल्दी के जो टुकड़े हैं, वो ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो फिर जो सब्जी है ना वो थोड़ी कड़वी सी हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है और उसके अंदर मैंने दो से तीन चम्मच देसी घी डाला हुआ है, और उसके बाद आपको जो पिसा हुआ हल्दी है वो डाल देना है और उसको अच्छी तरह से पकाना है। फ्रेंच बीन्स को यहाँ पे मैंने फ्राई करने के लिए छोड़ दिया है, इसको अच्छे से पकाना है। गाजर, इसको भी आपको यहाँ पे फ्राई करना है। उबले हुए फूल गोभी को भी यहाँ पे फ्राई करना है। तेज पत्ता, दालचीनी, इलायची और तीन चार काली मिर्च, यहाँ पे मैंने खड़ा मसालों का उपयोग किया हुआ है। महीन कटे हुए अदरक लहसुन मैंने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच लिया हुआ है। ये है दरदरा पिसा हुआ मिर्च पाउडर और ये है मिर्च मसाला। यहाँ पे दो से तीन चम्मच मैंने देसी घी का उपयोग किया हुआ है, और उसके बाद देसी घी अच्छी तरह से गर्म होने के बाद यहाँ पे खड़ा मसाला मैंने डाल दिया है। उसके बाद आपको डालना है प्याज, जो महीन कटा हुआ प्याज है वो उसमें आपको डालना है और अच्छी तरह से उसको भून लेना है। यहाँ पे आपको स्वाद अनुसार नमक डालना है। नमक से क्या होता है ना दोस्तों, कि जो अनियन है ना वो फटाफट से पक जाता है। अनियन अच्छी तरह से पक जाने के बाद जो महीन कटा हुआ टमाटर है उसको अच्छी तरह से भून लेना है। टमाटर सॉफ्ट होने के बाद इस स्टेज पे आपको डालना है मटर। मैंने पूरा एक कटोरी मटर लिया हुआ है। मटर अच्छी तरह से पक जाने के बाद यहाँ पे आपको डालना है मसाले। ध्यान रहे दोस्तों, मसाले डालते समय जो गैस की फ्लेम है वो लो होनी चाहिए ताकि मसाले जले नहीं। महीन कटा हुआ अदरक लहसुन अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। मसाले अच्छी तरह से भून जाने के बाद इस स्टेज पे जो फ्राई किए हुए सब्जियाँ थी वो एक एक करके आपको मिक्स करना है। अंत में भुनी हुई हल्दी डालनी है और इन सारी सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी। तकरीबन 10 मिनट तक सब्जी को पकाना है। यहाँ पे एक से दो हरी मिर्च आप यहाँ पे डाल सकते हो। लो फ्लेम पर सब्जी को ढक्कन रख के आपको 10 मिनट तक पकाना है। 10 मिनट हो जाने के बाद यहाँ पे मैंने एक छोटा नींबू निचोड़ के इसमें डाल दिया है ताकि इस सब्जी को एक प्रकार का
थोड़ा तीखा, थोड़ा मीठा और थोड़ा खट्टापन आ जाए, थोड़ी खटास आ जाए। इस स्टेज पे आपको गैस की फ्लेम बंद करनी है और ज़ीरा का तड़का लगा के इसको ढक के छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। यम यम सब्जी इज रेडी, रेडी टू ईट। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन लव, लाइक, कमेंट, शेयर टू आर फूड ट्रैवल जिंदगी। आपका ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।